जी तो दोस्तों ये है जी पार्ट टू, और अब आप आगे देखिएगा कि हमने जो है ना कैसे कैसे मास्टर गेट की सफाई की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ चाचा। आप लोग, मैं हूँ भतीजा। ओ आप देख ले है चाचा भतीजा पास। हम नए हैं यूट्यूब की दुनिया में। मैं जरूरत है आपके साथ की, आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की, ताकि हम इस दुनिया में आगे बढ़ते रहें और आपके साथ जुड़े रहें। हमारा साथ देने के लिए ये बटन दबाएं, बेल आइकन भी बजाएं, और कमेंट्स में हमारी हौसला अफजाई करें और हमारी रहनुमाई करें। शुक्रिया। दोस्तों हमने ये ब्लू कलर का ये नेट वाला हमने कपड़ा भी लगा रहे हैं चाची जान, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों ये वो नेट का जो है ना कपड़ा, जिससे हवा से जो है ना वो आर पार होगी और हमारे जानवर जो है ना वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ये लगा देते हैं ताकि जो है ना हमारे अंडे से भी देने भाई, तो अंडे बच्चे चाहिए उनके लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। जी तो दोस्तों ये हमारा नेट वाला कपड़ा डाल दिया है, तो वो चाचू जानिए सारा नेट वाला कपड़ा लगा दिया है, अब देख ले सारा कवर हो गया है और हवा भी क्रॉस हो रही है अंदर। तो ठीक से बताया नहीं जा रहा, ये जो है ना हमने सारा नेट का जो है ना कपड़ा लगा दिया, इसका अंदर से भी व्यू आपको दिखाते हैं। ये देखें जी ये इसी तरह से होगा, लेकिन इसकी वजह से यार अंदर अंधेरा हो रहा है ना, लेकिन हवा जो है ना भाई वो अंदर आ रही है, पहले से जो है ना वो काफ़ी बेहतर है, अंदर का टेम्परेचर जो है ना बहुत नॉर्मल होने जा रहा है। तो उम्मीद है कि अब छत का बस अब थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर काफ़ी हीट हो रही है। तो बाकी ये व्यू चेक करें जरा, अंदर हमारे बर्ड जो है ना वो डरेंगे नहीं अब। जी तो दोस्तों फाइनली इसे जो है ना हमने पिंस के साथ और वायर के साथ बड़ी मजबूती से इस नेट को लगा दिया, और ये है जी सामने ये सारी सफाई हो चुकी है। और वो यार सामने कपड़ा इसलिए लगाया कि वहाँ से आता है बिल्ला जो आके हमारे जो है ना बर्ड्स को तंग करता है, इसलिए जो है ना वो हमने वो लगाया, लेकिन हम ना वहाँ पर अब लोहे का जंगला बनवा कर लगाएँगे ऐसे, ताकि उधर से बिल्ली वगैरह जो है ना कोई भी चीज़ ना आ सके। और यार आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा, हवा भी चल रही है, लेकिन कोई भी काम करें तो प्यास तो लगती है, गर्मी काफ़ी है, तो आज रोज़ा भी काफ़ी शदीद लग रहा है मुझे। तो ये देखें ये अभी ये सारा कुछ हमने समेटना जो हमारे मास्टर केज के ऊपर लगा हुआ था। ये देखें ये शॉपर है, ये कारपेट वगैरह ये कपड़े हैं जो वहाँ पर लगे हुए थे, इन सबको हमने समेटना, और फिर जो है ना ये देखेंगे हमारे पीकॉक, इनकी भी अभी सफाई होने वाली है ये सारी ऊपर, ये अब आपको ठीक से नज़र आएंगे। ये देखें अभी जनाब अंदर की सारी सफाई रहती है, वो सारे दाने वाले शॉपर हवा से या वैसे अंधेरे की वजह से नज़र नहीं थे आते, अब नज़र आ रहे हैं, वो जब सारे पीछे चले चुके हैं तो इंशाल्लाह वो भी सारे इकट्ठे करने हैं। और यार गर्मी काफ़ी ज़्यादा है इधर, तो अभी ये भी सारी सफाई होने वाली है, अब देखते हैं कि ये आज उतार सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यार अब तो अपनी भी बस हो चुकी है, तो अब कोशिश करेंगे। और ये है जी हमारी डव, और ये देखें डव वाली साइड पे भी काफ़ी जो है ना गंद वगैरह पड़ा हुआ है, अब अच्छे से नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह सारी सफाई होगी इधर, सारी अच्छे से सफाई करके यहाँ पे हम जो है ना सारा कुछ अच्छे से क्लीन कर देंगे सब कुछ। ये तो दोस्तों इस साइड का व्यू है जी हमारे मास्टर केज का ऐसा, ये देखें ये अब यहाँ पे लग चुका है जी नेट शेट लग गया, और अब जो है ना हमारे पैरट्स को भी प्राइवेसी मिल चुकी है। और ये हैं जी हमारे पीकॉक, और इस साइड से जी व्यू है जी ऐसा, ये जी अंदर का व्यू है,
ये हमारे दो केजीज यहाँ पे लगे हुए हैं, दो ये हैं और एक ये जी हमारी मिट्टी का है। और ये न्यू बॉक्सेस वगैरह अभी सेटिंग होनी है। और ये जी हमारी फिंच और डाब का। और ये तो आप सबको पता ही है, ये हमारे मिट्टू फैमिली और लैला मजनू। और ये है जी हमारे नीचे लब, ये है जी हमारा मास्टर केज। और अब हम मास्टर केज से भी बड़ा केज बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। वो जाने का हमारा बाहर इस जगह पर, और फिर जो है ना वहाँ पे सारे बर्ड्स हमने मिक्स जो है ना सभी बर्ड्स फेंक देने वाले जी। तो दोस्तों ये है जी हमारा सामने पीकॉक का केज, और यहाँ से सारी अच्छे से सफाई हो गई है। और यार वो जो हमने यहाँ से सारा सामान उतारा था वो हमने जो है ना ये तय लगा के एक साइड पे रख दिया। ये हमारे लिए है जो है ना ये ख़राब हो चुका है, यानी कि ये अब इस्तेमाल में नहीं आ सकता। तो इसे जो है ना अब कल ही जो है ना बाहर आएगा कोई भाई, तो उसे दे के बेच देंगे। और अब्दुल मईज भी आ चुका है जी ऊपर, अब्दुल मईज खुश हो गया। और ये है जी माशाल्लाह से व्यू हमारे पीकॉक के केज का, डब और पिजन के केज का। ये सामने जो है ना माशाल्लाह से ये हमारी डब बैठी हुई है, और ये इसने एग भी दिए हुए हैं। काका एग देखे हैं किधर है? और इसने नहीं दिए, डब ने नहीं दिए। वो आपके नीचे देखो, ये कौन बैठा हुआ है, ये कौन बैठा है? हाँ इसने नन्ना दिया दोस्तों। ये एक ओ, अंडे को बोल रहा है नन्ना। क्या दिया? अब नन्ना दिया दोस्तों। अब रह गई है जी हमारी सफाई, और ये बाहर वाली तो माशाल्लाह से तकरीबन सारी हो गई है। तो अब ये जो है ना केजिस के अंदर की रह गई है, छोटे केजिस की तो मैंने कर दी है छोटे केजिस की। अब बड़े जो है ना रिंग नेक के, उसके बाद पिजन और मोर, और हमारे रह गए हैं जी फिंचेस और बजी, इनकी बात सफाई रह गई है। बाकी माशाल्लाह से हमने जो है ना वो सारी कर दी है। तो इंशाल्लाह अब ये करेंगे जी कल, क्योंकि अभी हम थक चुके हैं। क्यों अली? और दोस्तों ये ऊपर ये देखिए पिजन भी उड़ रहे हैं हमारे, अब पता नहीं कब पड़े होंगे जो उड़े हैं। लेकिन यार मुझे उड़ाने का शौक नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग करते हैं जी। तो जनाब आज का व्लॉग आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यार आज तो वैसे सफाई का दिन ही था, और कल भी जो है ना वो सफाई होगी, तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद प्रॉपर तरीके से जो है ना वो आपको हम अच्छे से जो है ना व्लॉग बना के तो वो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो भी हमें इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे दोस्तों को अल्लाह हाफिज़ नहीं बोलना, तो बोलो फिर जल्दी से बोलो अल्लाह हाफिज़। अच्छे अच्छे अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बोल दो जल्दी से।